रानी अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉर माय स्कॉलर। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अबाउट ऑपरेटर्स यूज्ड इन पाइथन। डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स यूज होते हैं पाइथन में, जैसे कि हमने जावा में भी पढ़ा था, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बिट वाइज ऑपरेटर्स, बहुत सारे टाइप के ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर। तो इनको हम वन बाय वन पढ़ते हैं विद एग्जाम्पल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पाइथन में हम लोगों के पास 6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं, जिनमें से कुछ ऑपरेटर्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जावा के केस में, जैसे कि एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सब का जो वर्किंग स्टाइल है वो सब सेम है जैसे कि सी में, सी प्लस प्लस में, जावा में होता है। ठीक है, बट पाइथन के कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी हैं जिनको हम स्पेशल ऑपरेटर्स कहते हैं। इसमें 2 टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं, आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड मेंबरशिप ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर में 2 टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं, इज एंड इज नॉट। एंड मेंबरशिप ऑपरेटर में आते हैं 2 टाइप के ऑपरेटर्स, दैट इज इन एंड नॉट इन। जो ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आपको भी आइडिया है उनका, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके उनको डिस्कस करूँगी, एक गो थ्रू हम कर लेते हैं। एंड जो स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जो कि नए हैं पाइथन में, इनको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स की। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर में देखिए, एक छोटा सा मैंने बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है। सबसे पहले हमने ए और बी 2 इनपुट लिए हैं। इनपुट कैसे लेना है कंसोल के थ्रू, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। तो मैंने 2 इनपुट लिए हैं इंटीजर टाइप के, ए एंड बी। सबसे पहले सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, डी इक्वल्स टू ए माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर कैलकुलेट किया है, डिविजन कैलकुलेट किया है, एंड मॉडुलस ऑपरेटर ये भी हमने पढ़ा था। बट पाइथन में एक स्पेशल ऑपरेटर होता है, दैट इज़ डिविजन फ्लोर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये डिवीजन ऑपरेटर से कैसे डिफरेंट है, जैसे कि मान लीजिए ए की वैल्यू आपने लिया है 10 एंड बी की वैल्यू आपने ली है 8। ठीक है, तो डिवीजन ऑपरेटर आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपके पास जो आउटपुट आएगा वो किस टाइप का आउटपुट आएगा, 1.2 समथिंग। ठीक है, बट अगर आप चाहते हैं कि ये जो आउटपुट आए वो इंटीजर स्पेसिफिक हो, ठीक है, तो उस केस में हम वहाँ पर यूज़ करते हैं डिवीजन फ्लोर ऑपरेटर का। तो इस केस में क्या होगा, जब आप 10/8 करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा आपके पास जस्ट 1। वन मोर थिंग जो मैंने यहाँ पर नोटेशन यूज़ किया है प्रिंट करवाने के लिए, हमने लिखा है यहाँ पर प्रिंट एडिशन इज, एंड मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट यूज़ किया है, दैट इज एंड इज इक्वल्स टू ब्लैंक कोट्स। ठीक है, तो इसका पर्पस एक तरीके से फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग इस केस में क्या होगा, जो आपके पास आउटपुट आएगा वो क्या करेगा, एडिशन इज एंड इज इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस में ये क्या इनपुट ले लेता है, जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में जो भी वैल्यू को प्रिंट करवाया है हमने वो क्या होती है, यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये इसका आउटपुट आता है। तो हमने इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एंटर द वैल्यू ऑफ ए हमने एंटर करवाई 10 एंड एंटर द वैल्यू ऑफ बी हमने एंटर करवाया है इसे 3। ठीक है, तो देखिए आउटपुट आपके पास किस तरह से आया, एडिशन इज 13। इसने क्या किया, देखिए जो नेक्स्ट लाइन का जो भी प्रिंटेबल आउटपुट था उसको उसने इस स्टेटमेंट के साथ अटैच कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही देखिए सब्ट्रैक्शन आपके पास आ गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देखिए 3.333 पूरा वैल्यू दिया है इसने। बट डिवीजन फ्लोर ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पर फ्लोर ऑपरेशन इस पर लगाया है एंड आपके पास किस टाइप की वैल्यू आ गई, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो ये थे हमारे जनरल जो भी हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू ऑपरेटर, नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। इनका जनरली हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, जब हम इफ़ देन एल्स की कंडीशंस का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो किस टाइप का आउटपुट देते हैं, हमेशा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, क्या रिटर्न करता है रिलेशनल ऑपरेटर, हमेशा ट्रू और फॉल्स। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, हमने 2 वैल्यूज़ ली हैं ए एंड बी, ए की वैल्यू है 10 एंड बी की वैल्यू है 8। मैंने यहाँ पर इसको कंपेयर कराया यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, दैट इज़ लेस देन। इफ़ ए इज़ लेस देन बी तो हमें प्रिंट होना चाहिए ए इज़ स्मॉलर, अदरवाइज प्रिंट क्या होना चाहिए, बी इज़ स्मॉलर। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये जो स्टेटमेंट है ए इज़ लेस देन बी, तो ये रिटर्न करेगा आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू रिटर्न करता है तो इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फॉल्स रिटर्न करता है तो एल्स
स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। तो इसको देखिए, हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ गया बी इज़ स्मॉलर, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, तो इसी तरह से ग्रेटर देन यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स का मैं आपको यूज़ बताती हूँ। जैसे हमने यहीं पर यूज़ किया, इफ़ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी तो ए इज़ अ स्मॉलर आना चाहिए, और अगर दोनों क्या है इक्वल है तो क्या आना चाहिए, बी इज़ अ स्मॉलर। तो देखिए आउटपुट कितना आया, ए इज़ अ स्मॉलर, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है, इट मीन्स इफ़ कंडीशन ट्रू है, तो इसलिए हमारे पास कितना आउटपुट आ गया, ए इज़ स्मॉलर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में थ्री टाइप के ऑपरेटर्स आते हैं, एंड और नॉट। ओके, तो जावा में हमने जो पढ़े तो एंड ऑपरेटर को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे किससे, डबल एंड ऑपरेटर से, और को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे इस ऑपरेटर के थ्रू, एंड नॉट को हम रिप्रेजेंट करते थे निगेशन के थ्रू। बट इन केस ऑफ पाइथन हम लोग यूज़ कर रहे हैं एंड ऑपरेटर के लिए, हम लोग यूज़ करते हैं एंड का। ठीक है, ऐसे ही और अगर ऑपरेटर यूज़ करना है तो यू विल राइट ओ आर और, एंड नॉट ऑपरेटर के लिए हम लोग लिखेंगे नॉट का। तो इनका यूज़ देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स लिए हैं ए एंड बी, जिसमें ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 8 है। तो सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिखा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड ए इज़ इक्वल इक्वल्स टू 10, तो क्या प्रिंट हो हमारे पास, हेलो, अदरवाइज बाय। तो जैसे कि जावा में हमने पढ़ा था, तो हम एंड ऑपरेटर जब यूज़ करते हैं तो क्या होना चाहिए, दोनों ही स्टेटमेंट्स को क्या रिटर्न करना चाहिए, ट्रू। इन दैट केस ओनली इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से, यानी कि ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड ए इज़ इक्वल्स टू 10, इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया तो क्या प्रिंट होगा, एल्स स्टेटमेंट प्रिंट होगा। तो इसको देखिए हम एक बार समझते हैं। ए इज़ ग्रेटर दैन बी, कंडीशन ट्रू है, ए इज़ इक्वल इक्वल्स टू 10, ये भी कंडीशन ट्रू है, इट मीन्स पूरा इफ स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। एंड तो इसलिए हमारे पास कितना आउटपुट आना चाहिए, हेलो आउटपुट आना चाहिए। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास कितना आउटपुट आ गया, हेलो। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर देती हूँ, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो अब वाली कंडीशन में क्या हुआ, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये तो कंडीशन ट्रू है, बट दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। तो इस केस में क्या हुआ, एंड ऑपरेटर क्या करता है, वन एंड वन, यानी कि फर्स्ट कंडीशन इज़ ट्रू एंड सेकेंड कंडीशन इज़ फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स। तो इसलिए क्या होगा, इफ स्टेटमेंट जीरो रिटर्न करेगा तो हमारे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और बाय प्रिंट हो जाएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास बाय प्रिंट हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही और ऑपरेटर देखते हैं। और ऑपरेटर के केस में क्या होता है, इन दोनों कंडीशंस में से, यानी कि ए ग्रेटर देन बी एंड इस कंडीशन में से कोई भी एक स्टेटमेंट, एक भी कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो इस केस में देखिए, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन ट्रू है और ये वाली कंडीशन फॉल्स है, तो एक कंडीशन क्योंकि ट्रू है तो इसलिए क्या प्रिंट होना चाहिए, इफ स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट करते हैं और आउटपुट कितना आ गया हमारे पास, हेलो। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। एक में एक और बचा है, नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर देखिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो इस केस में क्या होगा, देखिए ए ग्रेटर देन बी, नॉट ए ग्रेटर देन बी, इट मीन्स दिस कंडीशन इज़ फॉल्स। इन दैट केस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। बट ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, 10 है, यानी कि इफ स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, ज़ीरो, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई, एक तरह से फॉल्स हो गई। तो इसलिए हमारे पास कितना प्रिंट होना चाहिए, बाय। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमारे पास कितना आ गया, बाय। अब इस कंडीशन को देखिए हम फॉल्स बना देते हैं, नॉट ए लेस देन बी, ए इज़ नॉट लेस देन बी, यानी कि कंडीशन ट्रू है तो इसलिए इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास कितना आउटपुट आ गया, हेलो। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स एज इट इज़ वर्क करते हैं जैसे कि जावा में हमने पढ़ा था। सो हमने दो वेरिएबल्स लिए हैं ए एंड बी, इनकी वैल्यूज़ है 2 and 3। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो देखिए कितना आउटपुट आएगा हम लोग के पास, हम लोग के पास आउटपुट आ गया है 2। 2 कैसे आया है, ये चीज़ को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है जावा सीरीज़ में, तो प्लीज़ रेफ़र दैट वीडियो। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे बिटवाइज ऑपरेटर एक्चुअली में वर्क करते हैं। वहाँ पर मैंने पूरा एग्जांपल लेके वहाँ पर समझाया है 32 बिट्स पर, तो आपको वहाँ पर क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर हो गया, ये बिटवाइज और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम वर्किंग रहेगी जैसे कि जावा के केस में थी। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर
वही हो गए हम लोग के पास प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू एंड सो ऑन। जैसे कि हमने ऊपर ये ऑपरेटर्स पढ़े हैं उनमें बस आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर ऐड हो गए हैं, ठीक है। तो एज इट इज़ वर्किंग है जैसे कि जावा के केस में थी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स। आपको अच्छा कोई भी अगर कन्फ्यूजन है किसी ऑपरेटर में, जैसे कि मैंने इनको बहुत ही शॉर्ट में डिस्कस किया है इन ऑपरेटर्स को, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ और मैंने उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है जिस जिन वीडियोज़ में मैंने इनको डिटेल में डिस्कस किया है। स्टिल आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन, ओके। तो नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अब स्पेशल ऑपरेटर्स। स्पेशल ऑपरेटर्स में सबसे पहले आते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, दैट इज़ एंड इज़ नॉट। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इज़ ऑपरेटर। इज़ ऑपरेटर बेसिकली क्या है, जैसे कि हमें पता है, हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं ये चीज़, ए और बी अगर हमारे पास कोई भी ऐसे दो वेरिएबल्स हैं जो कि पॉइंट आउट करते हैं सेम वैल्यू को, तो उनके लिए सेम ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इज़ ऑपरेटर या फिर इज़ नॉट ऑपरेटर दोनों ही डील करते हैं ऑब्जेक्ट्स से डायरेक्टली, ठीक है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे क्या चेक किया, इफ़ ए इज़ बी, इट मीन्स इफ़ ए एंड बी बोथ आर पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट, इन दैट केस ट्रू वुड बी रिटर्न, इट मीन्स इफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो देखिए ए एंड बी दोनों की ही वैल्यू कितनी है, सेम है, इट मीन्स दोनों के दोनों ए एंड बी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेंगे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो हमारे पास आउटपुट कितना आना चाहिए, ट्रू। इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ और हमारे पास आउटपुट कितना आ गया है, ट्रू। इसको देखिए चेंज कर देती हूँ मैं, जैसे मैंने लिखा अब बी इक्वल्स टू 8, इट मीन्स ए एंड बी बोथ आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो इस केस में अब क्या होगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, इट मीन्स जो इफ स्टेटमेंट है वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इसलिए हमारे पास कितना आउटपुट आना चाहिए, फॉल्स। तो एग्जीक्यूट करते हैं और हमारे पास आउटपुट कितना आ गया, फॉल्स। ऐसे ही हमारे पास इज़ नॉट ऑपरेटर होता है, तो मैं इसी में चेंज कर देती हूँ, इफ़ ए इज़ नॉट बी, इट मीन्स ए एंड बी बोथ आर नॉट पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो उस केस में ट्रू आना चाहिए, अदरवाइज फॉल्स आना चाहिए। तो देखिए ए एंड बी दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, यानी कि दोनों ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पॉइंट आउट हो रहे हैं। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि आपके पास ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू है, तो इफ़ स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और हमारे पास कितना आउटपुट आना चाहिए, इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए और प्रिंट कितना होना चाहिए, ट्रू। एग्जीक्यूट किया, हमारे पास आउटपुट कितना आ गया है, ट्रू। अब देखिए इसकी वैल्यू मैं चेंज कर देती हूँ, अगेन 10 हो गई। इफ़ ए इज़ नॉट बी, यानी कि ए और बी दोनों ही पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को, जबकि ए और बी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, इट मीन्स ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हमारे पास आउटपुट कितना आना चाहिए, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए और आउटपुट कितना आना चाहिए, फॉल्स। तो एग्जीक्यूट किया क्या मैंने इसको एंड आउटपुट कितना आ गया हमारे पास, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। तो मेंबरशिप ऑपरेटर में टू टाइप के ऑपरेटर्स हैं, दैट इज़ इन एंड नॉट इन। सो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं, देखिए नॉट इन ऑपरेटर का, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिखा है, तो हम लोग के पास एक लिस्ट है यहाँ पर ए, तो यहाँ पर मैंने चेक किया टू नॉट इन ए, इट मीन्स इफ़ टू इज़ नॉट अवेलेबल इन ए, इन दैट केस दिस स्टेटमेंट शुड रिटर्न ट्रू एंड इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो देखिए टू इस लिस्ट में अवेलेबल है, येस इट इज़ अवेलेबल, इट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, इट मीन्स ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट कितना आना चाहिए, बाय। तो एग्जीक्यूट किया और आउटपुट कितना आ गया हमारे पास, बाय, ठीक है। इसी तरह से अच्छा मैं एक और एग्जीक्यूट करती हूँ, 10 नॉट इन ए। तो अब देखिए कंडीशन ट्रू है क्योंकि 10 इज़ नॉट प्रेजेंट इन लिस्ट ए, तो आउटपुट कितना आना चाहिए, हेलो। तो एग्जीक्यूट किया और हमारे पास आउटपुट कितना आ गया, हेलो। ऐसे ही देखिए इन के लिए हम यूज़ करते हैं, इफ़ 10 इज़ अवेलेबल इन ए, तब इस केस में क्या रिटर्न करना चाहिए इसे, ट्रू। तो लेकिन 10 तो अवेलेबल है नहीं इस लिस्ट में, तो इसलिए क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स स्टेटमेंट। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास कितना आउटपुट आ गया, बाय। ऐसे ही अगर आप डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, तो देखिए एक जेड डिक्शनरी है मेरे पास यहाँ पर, तो डिक्शनरी के केस में क्या होता है, जो भी आपके पास, हम लोग क्या करते थे, ए और बी यहाँ पर क्या है, की है, एंड 10 क्या है, 10 एंड 20 क्या है, वैल्यूज़ हैं या फिर आइटम्स हैं। तो नॉट इन एंड इन ऑपरेटर क्या करते हैं, हम इनका यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द कीज़।
तो जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया, ए के लिए सबसे पहले चलिए मैं चेक करती हूँ, ए नॉट इन जेड, कंडीशन क्या है ये? फॉल्स है, क्योंकि ए इज़ प्रेजेंट इन जेड, तो कितना आउटपुट आना चाहिए? बाय। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट कितना आ गया हमारे पास? बाय। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऑपरेटर यूज़ करती हूँ इन जेड, कंडीशन ट्रू है तो आउटपुट कितना आना चाहिए? हेलो। तो एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट कितना आ गया देखिएगा हमारे पास? हेलो। ठीक, अब अगर मैं चेक करती हूँ वैल्यूज़ के लिए, ये तो हो गया कीज़ के लिए, तो कीज़ के लिए वर्क करता है बट वैल्यूज़ के लिए वर्क नहीं करता है। टेन एन जेड, तो कंडीशन कितना है? ट्रू है वैसे तो, लेकिन क्योंकि ये वैल्यूज़ के लिए चेक नहीं करता है इसलिए आउटपुट कितना देगा? बाय। ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स का इन पाइथन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑपरेटर्स इन पाइथन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इनबिल्ट फंक्शंस का, जो कि जिनको हम कहते हैं ऑपरेटर फंक्शंस, जिनके थ्रू हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इन ऑपरेटर्स को। ओके गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, गुड लक।